नंदनवन पुलिस थाने में पूरे वर्ष के कार्यकाल में कुल 285 मिसिंग के मामले आए हुए थे, लेकिन नंदनवन पुलिस द्वारा खोजबीन किए जाने से 80% मामले का निपटारा किया गया है, ऐसी जानकारी पीआर निकम इनो ने दी है। शहर में कई थानों में लापता कहे या गुमशुदा व्यक्ति की खबरें अक्सर आती रहती है। इसमें नंदनवन थाने में इस गुमशुदा व्यक्ति की अब तक पूरे वर्ष में 285 शिकायतें दर्ज हैं, जिसमें नंदनवन पुलिस ने अब तक के 80% गुमशुदा व्यक्तियों को ढूंढ निकाला है। गुमशुदा होने का मुख्य कारण प्यार का इजहार और उसमें आई हुई दरार, परिवार में हो रहे झगड़े और बाहर राज्यों से आने वाली ऐसी टोली जो अक्सर महिलाओं को अपना शिकार बना लेते थे। राजस्थान गुजरात में भी वैसी महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या में काफी कम है। इसका नाजायज फायदा उठाते हुए कुछ दलाल ऐसी हरकतें करते हैं जिससे शहर की कई महिलाओं की गुमशुदा होने की शिकायतें नंदनवन थाने में आती रहती है। ऐसी जानकारी ASI प्रभाकर मलकापुरे WPC मंजूषा चौधरी इन्होंने दी है। भावनाओं में आकर प्यार के नाम पर धोखा हुआ है, ऐसे कई गुमशुदा व्यक्ति के मामले में नंदनवन में शिकायतें आती रहती है, ऐसी जानकारी नंदनवन के PI पवार इन्होंने दी है। आए दिन शहर में लापता होने की कई वारदात होती है, ऐसे में जो परिजन लोग रहते हैं वे उस पुलिस स्टेशन में जाते हैं जहाँ पे ये वारदात होती है। जी हम बात करने जा रहे हैं नंदनवन के उस थाने में जहाँ पे आज इनबीसीएन की टीम आई हुई है, और हम आपको बता दें कि पूरे वर्ष भर में यहाँ पे कितने मिसिंग की केसेस आई हुई है। जो लापता हुए हैं उनकी कई यहाँ पे शिकायतें दर्ज हुई है। अब हम सीधा रुक करेंगे, इस समय हमारे साथ में PI पवार साहब है। पवार साहब से ये जानना चाहेंगे कि आखिरकार उन्होंने अब तक ये जो केसेस जो हुई है उसका क्या नतीजा निकला है, कितने लोग अब तक के मिल चुके हैं और कितने अभी भी गुमशुदा है। आइए रुक करते हैं उन्हीं की ओर। नंदनवन थाने में ये साल में नियर अबाउट 150 से 280 तक मिसिंग के कंप्लेंट है, उसमें से 80% वो पर्सन फाइंड आउट किया है। अभी कुछ 15-20% जो बाकी है उसका तहकीकात जारी है और वो जल्दी से जल्दी हम उनको ढूंढ पाएंगे। नंदनवन थाने के PI पुलिस निरीक्षक पवार साहब इन्होंने बखूबी और बेबाक के साथ बात करते हुए ये कहा कि वर्ष भर में तकरीबन 250 से 300 के आसपास में मिसिंग की केसेस हुई थी, जिसमें से 80% जो मिसिंग केसेस है उनकी तहकीकात हुई है और वो जो जो शिकायतकर्ता है उनके जो बच्चे हैं वो मिल चुके हैं। अब 25% या 20% के आसपास जो केसेस है उसकी तफ्तीश अब भी जारी है, और इसकी मुख्य वजह ये बताई गई कि जैसे प्रेम प्रकरण होते हैं, कौटुंबिक जो वाद होते हैं जिसके चलते लापता या मिसिंग की केसेस ऐसी आए दिन अक्सर होती है। इस ओर उनके परिजन अभिभावक जो है उन्होंने ध्यान देना चाहिए अपने बच्चों की ओर, और इस तरह के जो वारदाते इसकी रोकथाम तभी होंगी जब अभिभावक, नागरिक और पुलिस और पत्रकार ये जब मिल के काम करेंगे तब कई मिसिंग की केसेस कम होने के आसार है, कम केसेस हो सकती है। नंदनवन से कैमरा पर्सन सुभाष के साथ संजय मीरे, इनबीसीएन न्यूज़ नागपुर।